नमस्कार मित्रों, रुचि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है सुख दुख में संभाव रखिए। सुख और दुख जीवन के दो विशिष्ट पहलू है जिस पर भारतीय मुनियों ने बहुत गंभीर चिंतन किया है। विश्व का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, पर वह मिलता आवश्यक है। इसी तरह सभी प्राणियों सुख चाहते हैं और निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील नजर आते हैं। फिर भी सच्चे सुख की अनुभूति वाले महापुरुषों के अतिरिक्त किसी को नहीं पाते, वह विश्व का सबसे महान आश्चर्य है। हमारे विचारक महापुरुषों ने इसी पर तलस्पर्शी गवेषणा की। सुख एवं दुख है क्या बला और उसकी प्राप्ति का अनुभूति का कारण क्या है, उन्होंने इसी एक प्रश्न पर जीवन को समर्पित कर दिया कि समस्त दुखों के विनाश एवं आनंद की अनुभूति का मार्ग क्या है। उसकी विचारधारा में सांसारिक लोग जिन्हें दुख या सुख समझते हैं यह मिथ्या कल्पना जन्य प्रतीत हुआ और उससे आगे बढ़कर उन्होंने ऐसे ऐसे मार्ग खोज निकाले जिनके द्वारा उन दोनों के अतीत अवस्था का अनुभव किया जा सके। साधारणतया मनुष्य सुख दुख का कारण बाहरी वस्तुओं का संयोग एवं वियोग मानता है और इसी गलत धारणा के कारण अनुकूल वस्तुओं व परिस्थिति को उत्पन्न करने व जुटाने में एवं प्रतिकूल वस्तुओं को दूर करने में ही वह लगा रहता है। पर विचारकों ने यह देखा कि एक ही वस्तु की प्राप्ति से एक को सुख होता है और दूसरे को दुख। इतना ही नहीं, परिस्थिति की भिन्नता हो तो एक ही वस्तु या बा एक समय में खुल कर प्रतीत होती है और अन्य समय में वही दुख कर अनुभूति होती है। उससे वस्तुओं का संयोग वियोग के सुख दुख का प्रधान कारण नहीं कहा जा सकता। और इसी के अनुसंधान में बाहरी दुखों एवं सुखों का संभाव रखने को महत्व दिया गया है। भौतिक विचारधारा में आध्यात्मिक विचारधारा की भिन्नता यहाँ अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि वाला बाहरी निमित्तों पर जोर देगा, वह आध्यात्मिक दृष्टि वाला अपनी आत्मनिष्ठा की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसकी दृष्टि इतनी सतेज हो जाएगी कि बाहरी पदे के भीतर क्या है उसे भले भ्रांति देख सके और ऐसा होने पर वह मूल वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करेगा। दृष्टांत के लिए दो व्यक्ति एक स्थान पर पास पास ही बैठे हुए हैं। अचानक कहीं से उसके मस्तक पर पत्थर आ गिरे। उससे भ्रांति में पड़कर एक तो पत्थर को दोषित मानकर उसे हाथ में लेकर उसे पछाड़ा कि उसके खंड खंड हो गए। दूसरे ने पत्थर पर रोष न कर वह कहाँ से आया, किसने फेंका, क्या फेंका इत्यादि पर गंभीरता से विचार करेंगे और मुख्यतः दोष जिसका हो ना कर उसके शोधन में प्रगति की। दोनों व्यक्तियों के प्रदप्य पत्थर लगने की क्रिया एक ही हुई, पर दृष्टि की गहराई के भेदभाव व फल में रात दिन का अंतर हो गया। यही बात बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि की है। बाह्य दृष्टि बाहर वस्तु पर सुख दुख की कल्पना करती है, अंतर्दृष्टि अपने प्रवृत्ति व भावनाओं की प्रधानता करती है। इसी दृष्टि भेद के कारण योगी को जिसमें आनंद है योगी को उसमें नहीं, योगी को त्याग में आनंद है योगी के लिए वह कष्टप्रद है। उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें अपनी दृष्टि को सही बनाना जरूरी है, तभी हम इस दंड से अतीत होकर संभाव का आनंद लूट सकेंगे। सभी प्राणियों से मानव में विचार शक्ति की बड़ी भारी विशिष्टता है।
विचारों में हम सुखी होते हैं, विचारों से ही दुखी, विचारों की धारा बदल देने से ही दुख सुख की कल्पना बदल जाएगी। इसी जमाने में कोई बात बहुत अच्छी समझ जाती थी, वह वही आज अच्छी ही समझी जाती है, और वर्तमान में भी एक ही वस्तु के विषय में सबकी राय एक सी नहीं रहेगी। उसका प्रधान कारण विचार भेद ही है। विचार बदला कि सारा ढांचा बदल गया। अधिक गहराई में नहीं भी जा सके तो दुख सुख में संभाव रखने के लिए हमारो विचार को बदलने का एक शब्द मंत्र भी है, जिससे सर्वसाधारण सहज में ही लाभ उठा सकता है। इस चमत्कारिक शब्द मंत्र की एक कहानी मैंने विदुषी श्री आर्यवल्लभ की व्याख्या में सुनी थी, उसे जहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। एक बड़े भारी सम्राट थे, जिन्हें प्रतिफल विविध परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कभी मन दुख की अनुभूति में और कभी सुख की अनुभूति में हर्ष एवं शोक से चलायमान बना रहता था। सम्राट ने यह सोचकर कि इस भीषण द्वंद के निवारण का कोई उपाय मिल जाए तो अच्छा हो, उसने अपने विचार कर सभासदों व मंत्रियों के सामने अपने विचार रखने हुए कहा कि इसके निवारण का कोई सरल उपाय बताइए, जिससे समय समय पर हर्ष एवं विषाद से मन आंदोलित होता है वह रुक जाए। यह रोग केवल सम्राट को ही नहीं सभी को था, पर इसके निवारण का उपाय कोई भी नहीं बतला सके। आखिर मंत्री को आदेश दिया गया कि तुम्हें उसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा दंडित किया जाएगा। सम्राट की आशा का पालन दुष्ट कर था। अंत मंत्री ने 6 महीने की मुद्दत ली और लगा इधर उधर पर्यटन में, क्योंकि पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष के बिना उसका उपाय मिलना संभव ना था। अंत में एक उच्च कोटि के योगी से भेंट हुई। उन्होंने उसका उपाय बतलाते हुए कहा कि सम्राट को एक ऐसी अंगूठी बना के दो जिसके बीच में चारों ओर यह मंत्र लिखा हो कि वह यह भी चला जाएगा। सम्राट को कह देना कि जब भी उनका मन सुख एवं दुख के आंदोलित हो, उसे अंगुली में लिखे हुए मंत्र पर मनन करे, उससे सुख दुख की क्षणिकता का ध्यान आने पर मन में हर्ष और शोक का दृढ़ नहीं होगा। दुख आता और चला जाता है और सुख भी सदा नहीं रहता। इस रहस्य के जानने से मन संभावना को पा लेता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1950, पृष्ठ 17। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।